डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन RCI ऑनलाइन पाठशाला। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। देखिएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगा, जेड। तो अगर मैं जेड इक्वल टू आयोटा अज्यूम करूं, अपने मन में बोल रहा हूं मैं जेड इक्वल टू आयोटा, हमने क्या किया है, अज्यूम किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जेड इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा डॉट वन। डॉट वन ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आप जब 10th क्लास में थे तो क्या लिखते थे, जीरो प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद वन, ऐसे बोल सकते हो आप। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में हो गए तो डॉट वन से काम चला लो। तो उसके बाद इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 0, 1। याद है ना, जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम उसको क्या लिख रहे थे, एक्स कोमा वाई, यू लिख रहे थे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको आप क्या लिख रहे थे, x, y। ऐसे ही देखो, जेड इक्वल टू आयोटा है, उसको क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा डॉट वन। डॉट वन यानी मल्टीप्लाई विद वन, ठीक है। तो क्या आया, 0, 1। अब ये नॉर्मल है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझाना था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, या फिर इसको ही क्या बोल देते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है ना, आर्गन प्लेन। तो देखो, 0, 1, देखो ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अब ध्यान देना, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ये होती है आपकी रियल एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो, 0, 1 है ना, ये कहाँ आएगा बोलो, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 0 इस पे, 0, 1 कहीं यहाँ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 की तो लाइन है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 1, मतलब ये 0 पे 1 चले गए। कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ तक, 0, 1, समझ लो दोबारा से, जेड इक्वल टू आयोटा था, आयोटा का आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा डॉट 1 लिख सकते हो, ये क्या हुआ, 0, 1। और 0, 1 को, ये तो आपने 10th क्लास में सीखा है कि पॉइंट्स को कैसे पता करेंगे, देखो 0, 1 है कि नहीं है, आ गई ना बात समझ में, भाई एक्स एक्सिस है, उस पर आपने 1 हाइट ले लिया, वही क्या है आपका, 0, 1। अब अगला नंबर देखो, उसको भी हम चेक करके बताते हैं, अभी सब इसी तरीके से होंगे ये। अगला देखिए, जेड इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, अगर यूं आ जाए कहीं भी तो इसको क्या लिखोगे बोलो, देखो -2 प्लस आयोटा डॉट 1, इसको क्या लिखेंगे, -2, 1, बोलो सही है कि नहीं है। उसके बाद देख लो, कुछ भी नहीं है, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये क्या है, ओरिजिन। उसके बाद देखो क्या है, -2, देखो इधर आएगा माइनस वाला, और हमने मान लिया कि -2, 0 ये पॉइंट है, तो -2 कहाँ आएगा, इसी लाइन में आएगा, और उस पर भी कितना चलना है, 1, तो ये क्या है, -2, 1 पॉइंट है कि नहीं है। और आपको वैसे ही पता है माइनस और ये क्या है, प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सही है कि नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक तो क्या होता है नेगेटिव, और दूसरा क्या होता है पॉजिटिव, बोलो क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, उसको भी आप चेक कर लो, बिल्कुल इजी है। जो आपको ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराया है मैंने, ये जब आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और ले लो, चलो 1 माइनस
ये लो। अभी देखो, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि माइनस ए क्या होता है, आयोटा रूट का ए, कंप्लीट है ना। उसके बाद देखो जेड इक्वल टू वन माइनस, देखो इसके अंदर माइनस है, हटाओगे तो क्या लगेगा, रूट आयोटा, और स्क्वायर रूट फोर, देखो ना ये माइनस हटा तो बाहर क्या आ गया, आयोटा। ऐसे ही ये माइनस हटा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा। और उसके बाद देखो जेड इक्वल टू वन माइनस आयोटा डॉट टू, भाई स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है, टू, और जेड इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस टू आयोटा, कंप्लीट। इसको आप ओल्डेड पेयर में क्या लिखोगे, वन कोमा माइनस टू। अब इसको क्या क्या करेंगे बोलो, ये लो ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए मैंने, देखो ये प्लस है पहला, दूसरा माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने इलेवेंथ क्लास में खूब अच्छे से टेंथ में पढ़ लिया होगा इसको, तो देखो वन कहाँ आया होगा, यहाँ, और माइनस टू कहीं आया होगा, यहाँ। तो ये आपका पॉइंट क्या हुआ, वन कोमा माइनस टू, ये पॉइंट तो आपको लिखना आ गया होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्राफ पेपर पे इनको करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसका करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको क्या लिखोगे, एक्स कोमा वाई। और इसको कैसे लिखोगे, जैसे टेंथ क्लास में लिखे थे, इसका कोई क्वेश्चन आ जाए माइनस फाइव प्लस सेवन आयोटा, आपको इसको सीधा क्या करना है, माइनस फाइव कोमा सेवन। क्या आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, टेंथ क्लास में करा है आपने। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लीजिए और उनको भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।